नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत BTS न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से मोहम्मद अहमद की क्या रिपोर्ट है। मैं ऐश्वर्या श्रीवास्तव, युवा सपा नेत्री और समाज सेविका हूं। ऐश्वर्या जी, आज किन समस्याओं को लेकर के आपने किसको पत्र सौंपा और क्या मुद्दा था? न्यूज पेपर और मीडिया के द्वारा मुझे ये पता चला कि हमारी कायस्थ समाज को, कायस्थ वर्ग को उत्तर प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार पिछड़े वर्ग में डालने की साजिश रच रही है। उसी के विरोध में हम कायस्थों ने, क्योंकि उनके लिए चुनावी मुद्दा है, चुनाव के फायदे के लिए वो हमारी समाज, हमारी वर्ग को पिछड़े वर्ग में डालना चाहते हैं, इसी के विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है। क्या मांग करती है? सिर्फ इतनी मांग है कि हम जहाँ रह रहे हैं, जहाँ हैं, वहीं हमें रहने दिया जाए। चुनावी फायदे के लिए हमें हमारे वर्ग को ना बदला जाए। हम सामान्य वर्ग में हैं, हमें पिछड़े वर्ग में ना डाला जाए, क्योंकि कायस्थ कलम के ताकत को जानता है और हमेशा अपने को साबित किया है, अपने बुद्धि और विवेक से अपने आप को समाज में स्थापित किया है। ये आपने ज्ञापन किसको सौंपा है? ADM प्रोटोकॉल को। और हम भी चाहते हैं कि हमारा जो ज्ञापन है, हमने निवेदन किया है कि मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल तक पहुंचाया जाए, और यदि अगर हमारा अनुरोध, हमारा निवेदन ऊपर तक नहीं स्वीकार किया गया तो हम कायस्थ समाज के लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आपके ज्ञापन में क्या मुद्दे हैं? सिर्फ एक मुद्दा कि हम जहां हैं वहां रहने दें। हमारे कायस्थ समाज के जो पहले भी हमारे पूर्वज हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, विवेकानंद जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनके सम्मान के और कायस्थ समाज के सम्मान के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए और उनको सामान्य है सामान में ही रहने दिया जाए। और आरक्षण की बात लोग करते हैं, आरक्षण पहले जो वर्ग उसमें आता है उनको आरक्षण किया जाए, उनका विकास किया जाए। प्रदेश सचिव अधिवक्ता सभा समाजवादी पार्टी। राहुल जी, फिर आज आप लोगों ने फिर ज्ञापन दिया है, किसको दिया है, क्या समस्या है? आज हम लोगों ने जो है यहाँ माननीय प्रोटोकॉल महोदय को जो है ज्ञापन दिया है। समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोगों को यह जानकारी हुई कि कायस्थ समाज को, कायस्थ जाति को OBC पिछड़ा वर्ग में जो है सम्मिलित करने की चुनावी षड्यंत्र चल रहा है, जिससे चुनावी फायदा लेने के लिए भाजपा सरकार जो है इसे पिछड़ी जाति में सम्मिलित करना चाहती है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कायस्थ समाज किसी आरक्षण का मोहताज नहीं है। कायस्थ समाज अपने बुद्धि, विवेक और कलम की ताकत पर आज भी अपनी प्रभुत्वता जो है स्थापित किया जा रहा है, चाहे वो हर वर्ग, हर क्षेत्र में जो है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, राजनीतिक में देख लीजिए, आप जो है म्यूजिकल में देख लीजिए, या विज्ञान वर्ग में देख लीजिए, खोज में देख लीजिए, किसी भी चिकित्सा क्षेत्र में देख लीजिए, तो हम लोग अपने जो है बुद्धि विवेक के कलम के दम पे हम लोग जो है वहाँ पर उपस्थित हैं। और हम लोग जो है बस इतनी मांग है कि हम लोगों को जो है हमारे जाति से जो है अलग न किया जाए, हम लोग सामान्य हैं, समान ही रहना चाहते हैं। और पिछड़े वर्ग के लोगों को जो है, जिनको अभी आरक्षण दिया जा रहा है, पहले उनका तो विकास कर ले, तब तो हमारे बारे में सोचें। पहले उनका तो विकास किए नहीं है, सिर्फ चुनावी फायदे के लिए हम लोगों को जो है कायस्थ में डाला जाता है, कायस्थ समाज को जो है OBC में डाला जा रहा है। तो क्या फिर कहेंगे, 2022 में चुनाव है, इस चुनाव को देखते हुए मतलब फिर इस तरीके से? हाँ बिल्कुल, भाजपा सरकार जो है चुनावी समीकरण को देखते हुए, चूँकि कायस्थ समाज जो है भाजपा के साथ नहीं है, इसीलिए जो है यह कुचक्र चलाया जा रहा है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जो है कायस्थ समाज जो है इनके साथ आ जाए, चूँकि इनका साथ छोड़ दिया कायस्थ समाज, क्योंकि कायस्थ का विकास जो है भाजपा सरकार में नहीं है। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।